हमारे शहर के एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब ने प्रांत ऑफिस में सुनील कड़ासने साहब, एडिशनल एसपी साहब, एडिशनल कलेक्टर साहब, उलमाओं की मीटिंग के अंदर मैंने देखा उनकी एक यूट्यूब चैनल के ऊपर कि बड़े ढिटाई के साथ वो ये बात बार बार बोल रहे हैं कि 50 लाख रुपया मैंने एमएलए फंड दिया, 50 लाख रुपया मैंने एमएलए फंड दिया और कॉरपोरेशन में जो माल जप्त हुआ था वाडिया दवा खाने में, वो बोल रहे हैं बार बार कि वो मेरा एमएलए फंड का था। मैं समझता हूं कि ये कोरोना वायरस के पीरियड का सबसे बड़ा झूठ मुफ्ती इस्माइल बोल रहे हैं। और मैं बार बार बोलता हूं कि एक आम इंसान, सियासी आदमी बोले तो हम थोड़ा बहुत नज़रअंदाज कर लेंगे, लेकिन एक आलिम अगर झूठ बोले तो ये बहुत अफसोस की बात है। मैं कल नासिक गया हुआ था, सबसे पहले तो ये बात समझना चाहिए कि मुफ्ती इस्माइल ने अपने बहुत खुशी से 50 लाख रुपया एमएलए फंड नहीं दिया। 28 मार्च को हुकूमत ने ये जीआर निकाला, ये जीआर है मेरे पास, और कंपलसरी किया हुकूमत ने महाराष्ट्र के 288 एमएलए को कि तुम्हारा 50 लाख रुपया एमएलए फंड कंपलसरी आप लोगों को कोरोना वायरस के इस वबा के अंदर जो जो रिक्वायरमेंट लगने वाली है उसमें खर्च करना है। पहले बात तो ये समझ लो, इन्होंने खुशी से नहीं किया। उसके बाद उन्होंने लेटर दिया कि एमएलए फंड 50 लाख रुपया खर्च किया जाए। मेरे पास कलेक्टर का जो प्रशासकीय मान्यता का लेटर भी मैंने कल नासिक जाके लाया हूं, ये लेटर मेरे पास है, आपको भी दे दूंगा मैं। जो 50 लाख रुपया मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब ने दिया वो मैं बड़े जिम्मेदारी से बोल रहा हूं और मेरा उनको चैलेंज है कि वो ये साबित करे कि 50 लाख रुपया सेंट्रल असेंबली हलके के अंदर जहां के मुफ्ती साहब एमएलए है वो बताए कि 50 लाख रुपया यहां खर्चा हुआ। मेरा सवाल है उनसे, वो साबित करे कि मालेगांव सेल सेंट्रल हलके के अंदर वो 50 लाख रुपया खर्चा हुआ। प्रशासकीय मान्यता कलेक्टर साहब ने जो दी और मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब का जो फंड 50 लाख रुपया कलेक्टर की मंजूरी से जो गया है वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अकाउंट में नहीं आया, वो नासिक सिविल सर्जन के अकाउंट में 50 लाख रुपया गया। वो लेटर है मेरे पास, 50 लाख रुपया वहां गया है, उनके अकाउंट में गया और उन्होंने खर्च किया है। और कोरोना वायरस के इस पीरियड में जितना भी खर्च करना था पीपी किट के लिए, मास्क के लिए, हॉस्पिटल के लिए, वो सभी खर्चा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने अपने अकाउंट से की है। कॉरपोरेशन ने भी मुकम्मल तौर पर लिख कर दे दी है कि मास्क, पीपी किट, ये जितने रिक्वायरमेंट जो लगने वाले थे, एमएलए फंड का एक रुपया भी नहीं है, बल्कि वो 14 वित्त आयोग और जनरल फंड का है। इसलिए मुफ्ती इस्माइल साहब झूठ बोल रहे हैं, बल्कि उनका पैसा सेंट्रल असेंबली हलके के अलावा दूसरे नासिक ज़िले के किस तरफ खर्चा हुआ वो ये साबित करे, या वो ये साबित करे कि सेंट्रल असेंबली में खर्चा हुआ। अब इसमें क्या दाल में काला हुआ है ये वक्त आने के ऊपर मैं और बताऊंगा। ये मैं आज आप लोगों के जरिए शहर की आवाम को बताना चाहता हूं और उनके तक ये बात पहुंचे, वो साबित करे कि सेंट्रल असेंबली में उनका पैसा खर्चा हुआ।